सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका सुभ्रा पांडे आज हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ध्यानपूर्वक कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य से पाठ 10 पाहियान की भारत यात्रा। तो आइए बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 15 मई 1864 को रायबरेली में हुआ था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी कुमार संभव, महाभारत, स्वाधीनता, रघुवंश आदि। द्विवेदी जी हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य की विस्मरणीय सेवा की और अपने युग की साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना को दिशा और दृष्टि प्रदान की। उनके इस अतुलनीय योगदान के कारण आधुनिक हिंदी साहित्य का दूसरा युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 17 वर्ष तक हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती का संपादन किया। हिंदी नवजागरण में उनकी महान भूमिका रही। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति व दिशा देने में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। इनका निधन 29 दिसंबर सन 1938 में हुआ। आइए बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 पाहियान की भारत यात्रा। इस पाठ में लेखक ने सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से भारत विश्व का अनुपम और गौरवशाली देश रहा। प्राचीन काल से ही जगत गुरु के रूप में भारत ने विश्व को ज्ञान बांटकर मनुष्य की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। भारतीय आकर्षण से खिंचे चले आने वाले विदेशी यात्रियों ने भारत की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन यात्रियों के मुख से भारत का गौरव गान सुनकर हर भारतवासी स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है। आइए बच्चों, अब हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। चीनी यात्रियों ने भारत भ्रमण करके जो यात्रा वृत्तांत लिखे हैं उनसे प्राचीन भारत के इतिहास की बहुत सी बातें मालूम होती हैं। पहला चीनी यात्री फाहियान था। वह मध्य चीन का रहने वाला था। सन 400 ईस्वी में वह अपने देश से भारत की यात्रा करने निकला। उसकी यात्रा का उद्देश्य था बौद्ध तीर्थ स्थानों का दर्शन और बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करना। उस काल में भारतवर्ष से चीन आने जाने के लिए दो रास्ते थे। एक रास्ता था खोतान नगर से होकर भारतीय सीमा पर पहुंचने का और दूसरा रास्ता था लंका के टापुओं से होकर पहले रास्ते से भारत और चीन में व्यापार होता था। पहला स्थल मार्ग था और दूसरा जल मार्ग। समुद्र में तूफान बहुत आते थे, इस कारण जल मार्ग बड़ा भयावह हो गया था। फाहियान बड़ा वीर और निर्भय यात्री था। वह चीन से भारत में खेतान के मार्ग से होकर आया था और लंका तथा जावा के मार्ग से होकर अपने देश को लौटा। फाहियान के साथ और भी यात्री थे। खोतान पहुंचने के लिए लाभ का जंगल पार करना पड़ता था। इस जंगल में फाहियान और उसके साथियों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। कोसों पानी का नाम तक न था। सूर्य अपने प्रचंड ताप से तप रहा था। प्यास और गर्मी के मारे यात्रियों के कंठ सूखने लगे। कहीं कहीं रास्ता भूल जाने से उन्हें और भी अधिक कष्ट उठाने पड़े। वन में मार्ग भूलते भटकते तथा अनेक प्रकार के कष्ट सहते हुए वे सब लाभ झील के किनारे जा पहुँचे। उस समय प्रायः सभी यात्रियों की बुरी दशा थी। कितने ही यात्री घबरा गए। उन्होंने अब आगे बढ़ने का विचार छोड़ दिया, परंतु फाहियान बड़े धैर्य से भारत यात्रा पूरी करने के अपने विचार पर अटल रहा। वह मार्ग के कष्टों को झेलकर
अपने कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ता गया। फाहियान 2 महीने में खोतान पहुंच गया। वहां लोगों ने उसकी बड़ी आवभगत की। उस काल में खोतान हरा भरा और संपन्न बौद्ध राज्य था। आज तो यह राज्य उजाड़ हो गया है, परंतु प्राचीन महलों, स्तूपों, बागों और विहारों के खंडहरों के रूप में उस राज्य की समृद्धि के चिन्ह आज भी पाए जाते हैं। खोतान से चलकर फाहियान काबुल पहुंचा। काबुल से वह खात गंधार और तक्षशिला पेशावर आया। उसने वहां बहुत ऊंचा और सुंदर बौद्ध स्तूप देखा। आगे चलकर उसने सिंधु नदी पार की और मथुरा पहुंचा। मथुरा का वर्णन करते हुए उसने लिखा, मथुरा में यमुना के दोनों किनारों पर 20 संघाराम है। उनमें लगभग 30,000 साधु निवास करते हैं। बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार है। आगे चलकर फाहियान लिखता है, राजपुताने के राजा बौद्ध हैं। दक्षिण की ओर जो देश है वह मध्य प्रदेश कहलाता है। इस देश की जलवायु न बहुत गर्म है न बहुत ठंडी, बर्फ या कोहरे की अधिकता नहीं है। प्रजा सुखी है, लोगों को कर अधिक नहीं देना पड़ता, शासक लोग अत्याचार नहीं करते, किसान को अपनी उपज का एक निश्चित भाग राजा को देना पड़ता है, लोग इच्छानुसार जहाँ चाहें घूम फिर सकने के लिए स्वतंत्र हैं, अपराधी को उसके अपराध के अनुसार ही भारी या हल्का दंड दिया जाता है, देश भर में जीव हत्या नहीं होती, बाजारों में कसाई खाने और मांस बेचने की दुकानें नहीं हैं। बुद्ध भगवान के समय से इस देश के राजा महाराजा तथा अमीर लोगों में दान से विहार निर्माण करने की प्रथा चली है। वे लोग भूमि आदि का दान पत्र लिख देते हैं, जिसकी आय से विहारों का काम चलता रहता है। विहारों में रहने वाले साधु संतों को मुफ्त भोजन मिलता है। मथुरा से चलकर फाहियान ने कन्नौज, स्वास्ति, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, राजगृह, गया, काशी आदि विभिन्न स्थानों की यात्रा की। भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कपिलवस्तु को फाहियान ने बुरी दशा में पाया। नगर उजाड़ था। कुशीनगर, जहां बुद्ध ने यह लीला समाप्त की, बुरी दशा में था। वैशाली नगर में बौद्ध धर्म की पुस्तकों का संग्रह करने के लिए बौद्धों का दूसरा सम्मेलन हुआ। इस स्थान की दशा अच्छी थी। पाटलिपुत्र पटना का वर्णन करते हुए फाहियान ने लिखा, पाटलिपुत्र का पुराना राजमहल बड़ा अद्भुत है। उसके निर्माण में बड़े बड़े पत्थरों से काम लिया गया है। मनुष्यों के हाथों से वह न बना होगा। उसमें लगभग 600-700 साधु रहते हैं। दूसरे महीने के 8वें दिन यहाँ एक उत्सव होता है। उस उत्सव पर 4 पहियों का एक रथ बनाया जाता है। रथ पर 5 खंडों का बना हुआ एक मंदिर रखा जाता है। मंदिर बहुत सजा हुआ रहता है। उसमें भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस प्रकार से 30 रथ तैयार किए जाते हैं। यह उत्सव बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। धनी लोगों ने नगर में असहाय रोगियों की चिकित्सा के लिए औषधालय खोल रखे हैं। फाहियान ने गया में बौद्ध वृक्ष तथा बौद्धों के अन्य धार्मिक स्थानों का दर्शन किया। उसके उपरांत वह काशी, ताम्रलिप्ति आदि स्थानों का भ्रमण कर जहाज द्वारा सिंघल द्वीप गया। फाहियान लंका में 2 वर्ष तक रहा। भारत की तरह वहाँ भी उसने बौद्ध धर्म का बड़ा उत्कर्ष देखा। भारत की तरह वहाँ भी उसने बौद्ध धर्म की बहुत सी पुस्तकें और मूर्तियाँ इकट्ठा कर ली थी। उन्हें वह अपने साथ चीन ले गया। स्वदेश छोड़े फाहियान को बड़ा समय हो गया था, इसलिए उसे अपने देश का स्मरण होने लगा। अंत में उसने एक जहाज से यात्रा की। वह अनेक कठिनाइयां उठाता हुआ अपने देश को चल पड़ा और 8 दिन की लंबी यात्रा के उपरांत
दक्षिण चीन में समुद्र तट पर सकुशल पहुंच गया। भारत यात्रा करके फाहियान ने स्वयं को धन्य समझा। उससे आज भी प्रत्येक भारतवासी का मस्तक गौरव से ऊंचा हो उठता है। बच्चों, यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, आइए उन्हें पढ़ते हैं। संग्रह, जमा करना, निर्भय, निडर, आवभगत, सत्कार, संघाराम, मठ, उत्सव, त्यौहार, उत्कर्ष, उन्नति, भयावह, भयानक, प्रचंड, अति उग्र, उजाड़, ध्वस्त, इहलीला, इस्लोक का जीवन, असहाय, निरुपाय, तट, किनारा। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप शब्दार्थ को 2 से 3 बार अवश्य पढ़ेंगे। बच्चों, अब आप अपना गृह कार्य जान लीजिए। किन्हीं 10 शब्दार्थ को आप अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे? लघु उत्तरीय से प्रश्न संख्या क, ख और ग आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे तथा दीर्घ उत्तरीय से भी प्रश्न संख्या क, ख और ग अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ से आपको कोई भी दिक्कत होने पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपना कार्य समय पर पूरा करके लिंक पर अपलोड कर देंगे और दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।